नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के रात के 10 बजे और आपका स्वागत है फिर से जीके शो बाय कुछ सर के अंदर। दोस्तों आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक जो हमारा आज का है वो है इम्पोर्टेंट मीटिंग्स। अभी हाल ही में कई सारे सम्मेलन, कई सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स आपकी हुई थी, उन पर सवाल आपके हर एग्ज़ाम में बनते हैं, SSC, बैंक हो या रेलवे, हर एग्ज़ाम में सवाल इस पर आते हैं। तो वो सवाल कौन कौन से हैं और वो टॉप 20 सवाल कौन से हैं जो मेरे हिसाब से आप एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको लेकर ये नाचीज़ आपके सामने आया है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एंड दोस्तों ये रहा आपके सामने हमारा पहला सवाल जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। हु हैज़ बीन इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट इन द ईस्ट इकोनॉमिक फोरम। इनमें से किसे मुख्य अतिथि के तौर पर जो ईस्ट आपका इकोनॉमिक फोरम है उसमें बुलाया गया है। इसका आंसर दोस्तों जो है वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनको दोस्तों बुलाया गया है। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 5वीं बार हो रहा है। इसका मेन मकसद है जो फार ईस्ट एरिया है रशिया का उसको डेवलप करना। 2015 से इसको शुरू किया गया है लगातार और ख़ास तौर पे जो व्लाडिवोस्टोक जगह है जहाँ पर ये फोरम आपका हुआ वहाँ पर मेन एजेंडा इनका है कि हाउ टू डेवलप द ईस्ट और द फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया। तो वहाँ पर मोदी जी गए थे और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके लिए करीब $1 बिलियन का भी उन्होंने $1 का भी उन्होंने दान देने की बात भी यहाँ दान क्या इन्वेस्ट करने की बात भी यहाँ पर कही है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने जो मैंने आपसे पूछा था कि रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए पीएम मोदी ने क्रेडिट की कितनी राशि या लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना अमाउंट दिया है। हाउ मच लाइन ऑफ क्रेडिट हैज़ मिस्टर मोदी प्रोवाइडेड विल प्रोवाइड बाय इंडिया टू द फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया। तो इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए। अब इसका आंसर जो है वो है $1 बिलियन। इतना अमाउंट जो सरकार हमारी है वो प्रोवाइड यहाँ पर करेगी। आगे बढ़ते हैं। Eastern Economic Forum takes place each year on which of the following cities? इनमें से किस शहर में हर साल आपका जो पूर्व आर्थिक फोरम है वो होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसका आंसर दोस्तों जो है वो है व्लाडिवोस्टोक। आगे बढ़ते हैं। Regional Comprehensive Economic Partnership is a proposed free trade agreement between the member countries of which of the following? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, एक मुक्त व्यापार समझौता है इनमें से किस ग्रुप के बीच। वो कौन सा ग्रुप है, आसियान, SCO, EU या SAR, जिस ग्रुप के तहत ये आपका RCEP बना है। तो इसका आंसर दोस्तों जो है आपका वो है आसियान। जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं इनके जो 10 मेंबर्स हैं ये और साथ में प्लस 6 जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, साउथ कोरिया भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, ये सारे मिला के जो 16 ऐसे देश हैं उनके साथ मिलकर ये आपका RCEP जो है ये एक अग्रीमेंट हुआ है। अभी हाल ही में इसका मीटिंग हुआ था इसी वजह से ये आजकल आपका न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हाल ही में आपका हुआ है तो सवाल यहाँ बना है कि इनमें से किसने जो 7वीं RCEP मंत्री स्तरीय बैठक है उसमें भाग लिया है। हु हैज़ अटेंडेड द 7th RCEP मिनिस्ट्रियल मीटिंग। क्या वो निर्मला जी हैं, जयशंकर साहब हैं, पीयूष गोयल हैं या हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, कौन है इस मीटिंग में, जाहिर सी बात है कौन जाएगा। इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा वो है पीयूष गोयल। ये इस मीटिंग में दोस्तों गए थे जो का था आपका द 7th RCEP इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग। सवाल बनेगा यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं, आसान सवाल है, इसका जवाब आपको आना चाहिए। इसका आंसर है आपका 16। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस was attended by which of the following? अभी हाल ही में ये भी हुआ था तो इस कॉन्फ्रेंस में कौन गए थे। अगर पीयूष गोयल गए थे 7th RCEP मीटिंग में तो इस कॉन्फ्रेंस में इनमें से कौन गए थे, इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है वो है एस जयशंकर, भारत के ये विदेश मंत्री हैं और यही इस सम्मेलन में भारत की तरफ से गए थे। ये सम्मेलन हुआ कहाँ था ये तो पता है कि हुआ कि कौन गया था पर ये हुआ कहाँ था। ये सम्मेलन दोस्तों आपका जो हुआ था इट टुक प्लेस इन द कंट्री ऑफ मालदीव्स। दोस्तों अगर हम मालदीव्स की यहाँ पर बात करें तो मालदीव्स का जो राजधानी है वो है आपका माले और जो यहाँ की करेंसी दोस्तों है वो है आपकी रुफिया, वो दोस्तों यहाँ की करेंसी है।
थाईलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए, वो है बैंकॉक, और यहाँ की जो आपकी करेंसी है दोस्तों वो है बात। अब आपको बताना है मेरे को कि इंडोनेशिया की करेंसी क्या है। जकार्ता तो कैपिटल है पर यहाँ की करेंसी क्या है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने नेक्स्ट सवाल। हु चेयर्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, हिंद महासागर सम्मेलन को इनमें से किसने अध्यक्षता की उसकी? इसका आंसर दोस्त जो है वो है ऑप्शन ए, जो कि है रानिल विक्रम सिंह है। ये हेड ऑफ स्टेट हैं श्रीलंका के, और इन्होंने ही इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर दोस्तों लीड किया। हेड ऑफ स्टेट क्या, वहाँ के ये मेन लीडर्स में से एक हैं, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका है, जिसका 72nd सत्र आपका इनमें से कहाँ हुआ? मैं रिपीट फिर से कर दूँ, इस सत्र में हमारे तरफ से जो भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन साहब वो गए थे। उन्होंने यहाँ पर ईट राइट कैंपेन को लॉन्च किया, जहाँ पर हर किसी को सही खाने की कैंपेन के बारे में नसीहत दी। इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल मेरा आपसे हुआ कहाँ था जहाँ पर वो गए थे, तो ये कॉन्फ्रेंस आपका इंडिया में ही हुआ था दोस्तों, और ये नई दिल्ली में WHO द्वारा कराया गया। WHO की ये जो कमिटी है, इसकी जो अध्यक्षा है इस समय, जो उसके प्रेसिडेंट है, उनका नाम है श्रीमती पूनम खेत्रपाल, वो इसकी इस समय प्रेसिडेंट भी है। यहाँ पर दोस्तों कई बीमारियों को के बारे में भी कहा गया कि उनको 2025-2030 तक खत्म करने की बात है, यह स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे मैंने पहले आपसे कहा। WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसने कहा है कि मीजल्स और रुबेला, जो खसरा और रुबेला जो बीमारियाँ होती हैं नवजात शिशु में, इन्फेंट बच्चों को, उनके निपटारे के लिए, उनको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए किस साल तक का मिशन लिया गया है? तो ये मिशन जो है दोस्त वो है आपका 2023, इस साल तक इन दोनों को बच्चों में, ख़ास तौर पर जो हमारा रीजन है ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का, वहाँ पर ख़त्म करने की बात कही गई है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन से महीने को हम पोषण माह कहते हैं? देखो इसी आज की बात कर रहे हैं, मैंने आज डिस्कस किया भी था, पोषण अभियान सितंबर में लॉन्च हुआ है। FSSAI ने ईट राइट मूवमेंट को शुरू किया है, जहां पर उसने कहा है कि हर किसी को बेहतर खाना मिले, बेहतर न्यूट्रिशन मिले। तो जाहिर सी बात है महीना जो यहां पर होगा वो आपका है द मंथ ऑफ सितंबर। इस महीने को दोस्तों आपका आपका कहा गया है। सवाल मेरा आपसे कमेंट सेक्शन में, क्या टैगलाइन कही गई है पोषण अभियान की, व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ द पोषण अभियान? आगे बढ़ते हैं, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनमें से किस मूवमेंट को शुरू किया? मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इस मूवमेंट का दोस्तों नाम जो है वो है आपका ईट राइट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों हर्षवर्धन साहब जो हैं ये भारत के आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, और ये लोकसभा सांसद हैं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से। आगे बढ़ें, जल्दी से बढ़ें, बिकॉज सवालों के जवाब अगर आपको आते होंगे तो आप आसान से दे पाओगे, नहीं आते होंगे तो नहीं दे पाओगे। जो इस साल का G7 शिखर सम्मेलन था, तो G7 समिट जो था वो इनमें से कहाँ पर हुआ? इट टुक प्लेस इन फ्रांस, वे सही है, फ्रांस में कहाँ पर? फ्रांस में आपका दोस्तों हुआ, इन बियारिट्स फ्रांस, यहाँ पर हुआ। 2020 का सम्मेलन जो है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, लिखा हुआ है इस साल का G7 सम्मेलन का थीम क्या था, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 45th G7 समिट? इसका जो इस साल थीम था दोस्त मेरे, वो थीम था आपका फाइटिंग इन इक्वालिटी, असमानता से लड़ना, ये दोस्तों इस बार इसका थीम था। आगे बढ़ते हैं, UNCCD COP14 समिट कहां पर हुआ? आजकल न्यूज में काफी चल रहा है ये समिट आपका दोस्तों, जो हुआ ये नई दिल्ली में आपका दोस्तों हो रहा है। आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन, जहां पर इसका मतलब है कैसे ऐसी जमीन जो बंजर हो जा रही है, ऐसा लैंड जो अब रहने लायक या फिर उगाने लायक नहीं बचा है, कैसे उसको हम कन्वर्ट करें, कैसे उसको रोकें, उसके लिए कन्वेंशन है UN का। इसका हेडक्वार्टर्स इनमें से कहाँ पर है? ये कन्वेंशन आपका इंडिया में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसके इनमें से हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। जो पिछला सवाल भी था UNCCD में, उसका फुल फॉर्म भी देखिए यहाँ दिया हुआ है। हेडक्वार्टर इसका जो है दोस्त वो है आपका ऑप्शन ए, बॉन जर्मनी, ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ने से पहले दोस्त मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे,
तीन से चार शो मेरे आ रहे हैं अगर आप तैयारी करें करंट अफेयर्स की, तो सुबह 6 बजे MCQ, 7 बजे द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 बजे करंट अफेयर्स NTPC के लिए, और रात में 10 बजे जो कि अभी आप देख रहे हो। इनमें से अगर आपने कोई भी तीन शो देख लिए तो आपका हर एग्ज़ाम निकलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ एक दिन के अंदर 1 घंटा देना है, आधे घंटे द हिंदू का, 15 मिनट द करंट अफेयर MCQ और 15 मिनट इसका, बस कुछ और नहीं करना है। अगर ये दे दोगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको भरोसा दिलाऊंगा कि आपका एग्ज़ाम में हर करंट अफेयर निकलेगा। तो प्लीज़ दोस्त एक बार मौका ज़रूर दें मेरे को और मैं आपको आपका भरोसा तोड़ूंगा नहीं। तो इसका आंसर क्या है आपका? बॉर्न जर्मनी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। यह रहा आपके सामने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO का जो क्षेत्रीय समिति का 72वां सत्र है उसका उद्घाटन इनमें से किसने किया? हु इनॉग्रेटेड दिस पर्टिकुलर सेशन? ये सवाल मेरा आपसे है। इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों आ जाएगा वो है हर्षवर्धन साहब ने। यहीं पर इन्होंने ई ट्राई मूवमेंट को लॉन्च किया, तो जाहिर सी बात है इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट इंडिया में, नई दिल्ली में किया होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत ने COP14 की अध्यक्षता किस देश से 2 वर्षों के लिए ली है? आने वाले जो 2 साल हैं, जो साल चल रहे हैं, अब इंडिया अध्यक्ष है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने दोस्तों रिप्लेस किया है देश जो है चाइना, पहले चाइना के पास था और अब इंडिया UNCCD COP14 का प्रेसिडेंट है। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट सवाल पर जो कि दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है। COP14 में भारत ने कितने वर्षों के अंदर जो 50 लाख हेक्टेयर का लैंड है उसको दोस्तों बहाल करने की बात कही है, कैसे उस लैंड को बेहतर करने की बात कही गई है? तो दोस्तों ये जो साल है वो है 10 सालों के अंदर दोस्तों जो डीसर्टिफाइड लैंड है, जो आपका बंजर ज़मीन है, जो ज़मीन बेकार चुकी है, उसको फिर से बेहतर करने की बात यहाँ पर कही गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रकाश जावड़ेकर साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा संभव होगा। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं, आपका दोस्तों आने के लिए शुक्रिया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, फिर से बात कह रहा हूं ना, यहां किसी हम चीज़ की बात, हम बात करें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को मास्टर करने की। मास्टर करना सिर्फ एक शो से नहीं काम चलेगा, आपको कम से कम 3 शो देखने पड़ेंगे, 6 AM का MCQ, 7 बजे का हिंदू और रात में 10 बजे का GK शो। ये 3 देखोगे तो करंट स्टैटिक सारा कवर होगा, UPSI, SSC, बैंक, रेलवे, जहाँ जहाँ भी सवाल आते हैं सब सवाल यहाँ पर होंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अब आपसे बहुत जल्द हम कल सुबह 6 बजे MCQ के साथ या फिर 7 बजे द हिंदू कंट्री के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। जय हिंद और जय भारत।